मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैंने जो है भक्ति काल में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट वीडियो जो मेरा रहा था उसमें 160 नंबर का प्रश्न मैंने आप लोगों से वहां पर पूछा था। इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है, तो बहुत अच्छा आंसर लोगों का मिला मुझे। परमानंद दास जो है इसमें ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है मित्रों। तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हो और आपके आंसर मुझे मिलते रहते हैं। साथियों, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इन प्रश्नों से बाहर आपका कहीं पर भी किसी भी स्टेट में एग्जाम दे रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा मित्रों। तो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले, परमानंद दास संत कवि नहीं है। परमानंद दास जो है संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टछापी कवियों में से एक रहे हैं परमानंद दास। जबकि साथियों मलुकदास, धर्मदास, रैदास ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि रहे हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि आप सबको पता है कबीर दास जी को माना जाता है मित्रों। मित्रों मैंने आपको यहाँ पर ये भी सूचना दे दूं कि भक्ति काल तो हम लोगों का चल ही रहा है, लेकिन आधुनिक काल को भी मैंने शुरू कर दिया है और आधुनिक काल के भी करीबन आपको दो वीडियो मिल गए होंगे साथियों। तो निश्चित रहिए और पढ़ते रहिए और विश्वास करिए, इस बार आर या पार कुछ भी हो जाए, इन प्रश्नों से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा मित्रों। अगर आपकी डिमांड है तो मैं इसके नोट्स जो मेरे पड़े हैं उन नोट्स को भी मैं आप लोग चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है साथियों। चलिए 161 नंबर का प्रश्न है। कबीर के बीजक पर रची गई तिजरियो तिजरियो टीका किसकी है? कबीर के बीजक, बीजक जो है कबीर दास जी का बीजक जो है काव्य संग्रह है और धर्मदास जी के द्वारा इसको संग्रह किया गया था। बीजक को तीन भागों में बांटा गया है, सबद, रेमेनी और आप सबको पता है बीजक जो है सबद, रेमेनी और साखी, ये तीन भागों में इसको बांटा गया था। मैंने इसको पूरी डिटेल में आपको पहले पढ़ा दिया है, आप निश्चित रहिए साथियों, पढ़ते रहिए जोश के साथ। साथियों कभी भी आप लोगों को कम जोश नहीं रखना है, और जितने वीडियो में डाल चुका हूँ पूरे के पूरे वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए मित्रों। मैं आपसे दावा करता हूँ इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, आप विश्वास मानिए मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने भी खूब तैयारी करी थी, ठीक है। तो कबीर के बीजक पर रची गई तिजरियो टीका किसकी रही है? ये पूरन दास की रही है मित्रों। किसकी रही है? पूरन दास की। आपने देखा होगा मैं यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि लंबा वीडियो बन जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। देखिए मित्रों मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पास कोई ऐसा टीवी वीवी ऐसे कुछ भी नहीं है, बस ये पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये जितना अच्छा कंटेंट मैं डाल पाऊंगा, उतनी बातें उतना अच्छा कंटेंट मैं आपको बता पाऊंगा साथियों, ये मैं दावा करता हूँ। और इससे भी बेस्ट कंटेंट अभी मैं आपको और देने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा। अभी जो यूजीसी नेट के जितने भी पेपर आए हुए हैं सारे के सारे एक एक पेपर में आप लोगों को करवाने वाला हूँ यहाँ पर, ताकि अच्छे प्रश्न और अच्छे प्रश्न आप लोगों के वहां पर और हो जाए। चलिए ठीक है, देखिए इसकी कबीर के बीजक पर रची गई तिजरियो जो टीका है उसके रचनाकार पूरण दास रहे हैं, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास और पलटू साहब तीनों नाम यहाँ पर असंगत रहे हैं। तो कबीर के बीजक पर रची गई तिजरियो जो टीका है वो किसकी है? पूरण दास की। मित्रों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। 162 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की रही है? प्रभु जी तुम दीपक अम्बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कितनी अच्छी बात है, रैदास जी ने ये बात कही है, क्योंकि वो अपने आप को एक नीची जाति का मानते थे और उन्होंने हमेशा उनको ईश्वर के सामने नीचा ही रखा है। आप सबको पता है रैदास जी जो है मीराबाई के जो है गुरु माने जाते हैं, सबको पता होना चाहिए। प्रभु जी तुम दीपक अम्बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, ये किस पंक्ति है? ये रैदास जी की पंक्ति है मित्रों, ठीक है। रैदास जी एक संत कवि माने जाते हैं। और भी पंक्तियां दी गई हैं जहां पर इनमें जो और भी नाम है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी पंक्ति है? नानक देव की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने साथियों किसकी पंक्ति है? नानक देव जी की पंक्ति है। अगला है, मैं कहता हूं आखन देखी तू कख कागद की लेखी। तो साथियों ये कबीर दास जी की बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत फेमस।
अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये कबीर दास जी के बारे में किसने लिखा था? दादू दयाल जी ने ये पंक्तियां लिखी थी। मित्रों मित्रों, आप जो वीडियो में डालता हूं उनको देखते हो, लेकिन पिछले वाले वीडियो जो मैंने डाले हुए हैं, प्लीज आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अच्छा लगा है, तो पूरे वीडियो शुरू से एंड तक पूरे वीडियो देखिए, आपकी 4 चांद लग जाएंगे आपकी तैयारी में, गारंटी है मेरी। अगला प्रश्न है, 163 नंबर का प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? सबको पता है कबीर की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो है ज्ञान। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक बार इस प्रश्न को पूछा गया है। कबीर की भक्ति का जो अंग है वो है ज्ञान। संत कवियों में एक भक्त युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। भक्ति को कबीर ने मुक्ति का एकमात्र साधन माना, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कबीर ने मुक्ति का एकमात्र साधन किसको माना है? तो वो है भक्ति। साथियों, कबीर की कृतियां रही हैं साकी सबद रेमेनी, जिसको इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से काव्य संग्रह किया था। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। 164 नंबर का प्रश्न है, आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं। यहाँ पर हम लोग भक्ति काल में संत काव्य धारा को पढ़ रहे हैं, या संत काव्य को पढ़ रहे हैं मित्रों। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया था? याद रखिएगा, कबीर ने आलोचक के रूप में, सुधारक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में और समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया था? वो है चेतावनी, उसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट। साथियों, ये पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चेतावनी उन्होंने दी, कुसंग की उन्होंने बातें करी, माया, कनक, कामिनी, कपट, ये उनके रहे हैं। तो यहां पर देखो, क से तो जो है 4 शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, कुसंग, कनक, कामिनी, कपट, ठीक है, और चेतावनी दी है माया। माया हमेशा चेतावनी देती है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं मित्रों। मित्रों देखिए, आपकी अगर दुआएं रही तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ है तो मुझे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत शेयर करते हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी जॉब इस बार लग जाए साथियों। और भगवान से मेरी दुआ है, जो भी इन वीडियो को देखते हैं, भगवान से दुआ करता हूँ कि इन वीडियो से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाए, जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे हो मित्रों। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ है, निश्चित रूप से भगवान आपकी जॉब आपको दे। जो मेहनत करता है देखो उसको फल मिलना चाहिए। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, ये ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो 165 नंबर का प्रश्न है मित्रों, किसके द्वारा ऐसा कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। डी ऑप्शन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ऐसा कहा। मुझे भी ये क्वेश्चन पता नहीं था भैया। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन पता ही नहीं क्या कितने गहरे प्रश्न है यार, मजा आ गया। 166 नंबर का प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। अरे वाह रे वाह, क्या रे क्या प्रश्न है यार, क्या बताऊं यार साथियों। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? नामदेव की पंक्ति है, नामदेव की पंक्ति मित्रों। और भी याद रखिए, और भी पंक्तियां दी गई है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा नामदेव की पंक्ति है। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं सादी कबीर दास जी की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने नानक देव की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति दादू दिया जी की है। ये पूरे के पूरे जिनकी पंक्तियां दी गई है, पंक्तियां भी राइट, पंक्तियां भी इंपोर्टेंट है, और ये जितने जिन्होंने दी है वो भी इंपोर्टेंट है। आप जरूर पढ़ो मित्रों, पढ़िए पढ़िए, जीवन संवर जाएगा। बार बार समय नहीं आता है मेहनत करने का, और मेहनत एक बार अगर हो जाती है तो फिर जीवन बन जाता है। एक बार दिल खोल के मेहनत कर लीजिए, प्रैक्टिस में कमी में नहीं रहने दूंगा आपके। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने में क्वेश्चन डालता जाऊंगा। गहना एक जनक थे गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दूही करी थापे एक मिजाज एक पूजा। गहना एक कनक थे गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुही करी थापे एक निमाज एक पूजा। साथियों, भक्ति काल संत काव्य ये जितने भी हैं इनमें पंक्तियां ज्यादा हैं, क्योंकि
क्योंकि ये अधिकतर कवि रहे हैं, और ये पंक्तियां जो है ना ये भक्ति काल में से बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए इन पंक्तियों को ज्यादा आपको याद रखना है। ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं, ये काव्य पंक्तियों के रचयिता कबीर दास जी हैं। भैया पहली बार दिख रही है ये पंक्तियां, तो गहना एक कनक दे गहना तामे भाव न दूजा, ये शायद सेकंड ईयर की पंक्तियां हैं। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि तो कबीर ही है, तो कबीर की पंक्तियां हैं। 168 नंबर का प्रश्न है साथियों, आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के तौर पर ही पढ़ाऊंगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? देखिए ये प्रश्न पहले आ चुका है, ये रिपीट हुआ है दोबारा साथियों, 40 पद हैं। कितने पद हैं? 40 पद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संकलित हैं। रैदास आप सबको पता है निर्गुण काव्य धारा के संत कवि माने जाते हैं, ये जाति से चमार थे और मीराबाई इनको अपना गुरु मानती थी मित्रों। चलिए 169 नंबर का प्रश्न है, मैं कहता हूं आखन देखी तू कथा कागज की लेखी, साथियों इस पंक्ति का मतलब क्या है ये पूछा है इस बार, क्या धमाकेदार प्रश्न है यार। मैं कहता हूं आखन देखी तू कथा कागज की लेखी, मुझे पता है ये पंक्ति कबीर दास जी की पंक्ति है, लेकिन इस पंक्ति का मतलब क्या है ये पूछा है, कितना गहरा प्रश्न है यार। इस पंक्ति का मतलब सुनिए, सहानुभव सहानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा, सहानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है, इस पंक्ति का मतलब ये निकलता है, सहानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसको कोई भी नहीं लगाएगा, अगर किसी को याद नहीं है तो इसमें तो भैया तुक्का ही मार के आता, अगर ये मान लो ये पंक्ति आ जाती तो ठीक है। सहानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, इस पंक्ति का आशय है। 170 नंबर का प्रश्न आता है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को मतलब पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी, कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? रे बाप रे कैसा प्रश्न है, रे दासू प्रश्न है। देखिएगा तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी, कबीर से संबंधित ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रहे हैं मित्रों। किसके रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रहे हैं। कबीर से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आप सबको पता है कबीर को क्या कहा था? वाणी का डिटेक्टर, वाणी का बादशाह, वाणी का तानाशाह कबीर को कहा गया था। किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। साथियों मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा जीवन जो है अब सुधरने वाला है। 171 नंबर का प्रश्न है साथियों, आपको मेरी मेहनत कैसी लगती है जरूर कमेंट कीजिए, प्रश्न कैसे लगते हैं जरूर कमेंट कीजिए साथियों। साथियों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा यार, ठीक है? थोड़ा सा मुझे भी हौसला मेरा भी बढ़ जाता है, और पहली बार मिलते हो आप मेरे इन वीडियो से तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अगला है, 171 नंबर का प्रश्न है, मैच करना है आपको कहाँ किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर गुरु नानक का जन्म आप सबको पता है तलवंडी में हुआ, जो लाहौर में पड़ता है पाकिस्तान में। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ। धर्मदास जी का जन्म आप सबको पता है बांधवगढ़ में हुआ। और सुंदरदास जी का जन्म जो है दौसा में हुआ था, ठीक है? याद हो जाएगा गुरु नानक का जन्म, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में, दादू दयाल जी का अहमदाबाद में, धर्मदास का बांधवगढ़ में और सुंदरदास जी का दौसा में हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? याद कर लेना भैया। 172 नंबर का प्रश्न है, तनन नाम गुणन नाम तज्यो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ये बारीक कैसे जीव ही खुदाई। क्या प्रश्न है यार, मजा आ गया। मुसी मुसी का यहाँ पर मतलब क्या है? मुसी मुसी का मतलब देखो यहाँ पर, इसमें मन ही मन रोना बिल्कुल सही है, सिसक सिसक का रोना बिल्कुल सही है, तो पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे इसके, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है मित्रों?
आगे 173 नंबर का प्रश्न है। माई न होती बाप न होते, क्रम न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, क्रम कहाँ ते आया। क्या पंक्तियां हैं यार, मजा आ गया भैया। ये पंक्तियां जो है किस कवि की है, ये नामदेव जी की पंक्तियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति, आप नोट कर लीजिए, अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 173 नंबर का प्रश्न था ये, 174 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं भैया। देखिएगा, कबीरदास जी की और भी पंक्तियां हैं, माधो ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं शादी। फिर रैदास जी की पंक्तियां हैं, जम हम होते तू नहीं, अब तू है मैं नाहीं। मलुकदास जी की, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही थे पैदा किए, अति गाफिल गंदे। क्या बात कही है यार। 174 नंबर का प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है कहाँ से, पंढरपुर से, और पंढरपुर से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कहाँ से, पंढरपुर से, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, सबको पता है ये प्रश्न किसी के गलत नहीं जाएगा। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था, याद हो जाएगा। मुस्लिम परंपरा में जो है शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है, वैसे कबीरदास जी के गुरु रामानंदी थे, लेकिन मुस्लिम परंपरा में जो है शेख तकी को माना जाता है। कबीर की वाणी संग्रह बीजक में संकलित है, इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था, तीन भागों में बांटा है, साकी सबद रमेनी, और ठीक है, तो जो साकी है, रमेनी और सबद दोनों गे पद हैं और साक्षी दोहा पदों में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 176 नंबर का प्रश्न है, सदुकड़ी भाषा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सी ऑप्शन, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। सदुकड़ी भाषा यानी कि मिश्रित बोली, पंचमेल खिचड़ी जिसको हम कहते हैं, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, ऐसा कहा जाता है। साथियों ये इसकी डिटेल जरूर पढ़िएगा, सदुकड़ी भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है कबीर की भाषा को सदुकड़ी माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था कबीर की भाषा को सदुकड़ी, और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी माना। तो सदुकड़ी भाषा किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने माना, श्याम सुंदर दास ने, याद रख लीजिएगा। अब पंचमेल खिचड़ी का मतलब है इसमें पांच भाषाओं का मिश्रण था, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी, ये याद रखो। पंचमेल खिचड़ी में कौन कौन सी बोलियां भाषाएं रही हैं, तो खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण रहा है, जो श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा। 177 नंबर का प्रश्न आता है, अखड़ियां जाई पड़े पंत निहारी निहारी, जीबड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। ये तो भैया पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है। देखिएगा, प्रसंगत पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा रचित है, ये तो यार सबको पता है भाई, अखड़ियां जाई पड़ी पंत निहारी निहारी, ये तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। इसमें ईश्वर यानी कि ब्रह्मा के प्राप्ति की त्रि उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक हैं, वे दशरथ सुत या वैष्णव के आराध्य नहीं है। ये पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है, इसका संबंध जो है वैष्णव, सूफी, बौद्ध और ईसाई किसी भी मत से नहीं है, इसलिए ये पंक्ति में एक कोई भी ऑप्शन राइट नहीं माना जाएगा। आगे 178 नंबर का प्रश्न है, रैदास किसके गुरु थे। सबको पता है रैदास किसके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। रैदास जी का जो जन्म है वो 1388 को काशी में हुआ था। इनके जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, और रैदास जी के गुरु का नाम भी रामानंदी था। ये जाति से चमार थे, इनकी बहुत अच्छी पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाके अंग रहे बास समानी, ये इनकी बहुत बढ़िया पंक्ति मानी जाती है। देखिएगा, मलुकदास जी के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था, हरिदास जी के गुरु का नाम प्रागदास था, लालदास जी के गदन चिश्ती था, मीराबाई के रेदास था। तो मलुकदास जी के गुरु का नाम पुरुषोत्तम, और हरिदास जी के प्रागदास, और लालदास जी के गदन चिश्ती, और मीराबाई के रेदास, ठीक है, याद हो जाएगा। 179 का प्रश्न है, अंगवधु किसकी रचना है। अंगवधु जो है दादू दयाल जी की रचना है। किसकी रचना है अंगवधु, दादू दयाल जी की रचना मानी जाती है। अंगवधु दादू दयाल जी की रचना है। दादू दयाल जी
दादू दयाल की संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम से जाना जाता है। दादू पंत के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र थे गरीब दास तथा मिश्की दास, ये उन इनके उत्तराधिकारी रहे। दादू के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हरडे वाणी और काया बोली। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास, जिसने हरडे वाणी शीर्षक से किया था, और पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया था। ये बहुत डिटेल की बात है। चलिए अगला प्रश्न, 168 नंबर का प्रश्न है। निर्गुणिया संतों की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है। निर्गुणिया संतों की जो काव्य सृजना है वो सर्वाधिक किस पर आधारित दिखती है मित्रों? नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। निर्गुणिया संतों की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है, नाथों की रचना पर सर्वाधिक आधारित दिखती है। गोरखनाथ को जो है नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है, और गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ, याद हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न। चलिए अब पढ़ते हैं, 181 नंबर का प्रश्न है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? अरे बाप रे, क्या तगड़ा प्रश्न है यार। किसके कहने पर? शेख तकी। सिकंदर लोदी ने जो है किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने पर। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीर से बांध करके इस गंगा में डुबोया था। बहुत तगड़ा प्रश्न है यार, मजा आ गया इस प्रश्न को पढ़कर। भैया चलिए अगला प्रश्न है, 182 नंबर का प्रश्न है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं ना कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये पंक्तियां किस राइटर की रही हैं? ये पंक्तियां मित्रों जो है ये डी ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। भैया किसकी पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। अब इनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में ज्ञानारिश्री शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीर दास के बारे में ये बात कही है। इन्होंने कबीर की भाषा को सदुपड़ी भाषा कहा, और ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला जो सूर तुलसी और जायसी को मिला था। साथियों चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 183 नंबर का प्रश्न है। 183 नंबर का प्रश्न कहता है, तुमह जिनी जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार, तुमह जिनी जानो गीत है ये हऊ निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है? ये भी कबीर दास जी ने ही कहा था। कबीर दास जी ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं, और उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये कबीर दास जी के द्वारा कही गई बातें हैं। तुम जिनी जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, अरे तुम जिनको गीत जानते हो ये ब्रह्म विचार है। मित्रों मित्रों देखे, मेरे पास कोई टीवी पैनल ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं सिद्ध सा बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, बस प्रैक्टिस आपको इतनी बढ़िया करा दूंगा कि आप मजे आ जाएंगे। आपको निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए, ठीक है? बाई आडंबरों का खंडन बिल्कुल सही है, गुरु का महत्व प्रतिपादन बिल्कुल सही है, जाति पाति का विरोध बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन कहता है सगुण ईश्वर की उपासना, ये नहीं था, यानी कि संत काव्य की विशेषता ये नहीं है साथियों, ठीक है? याद हो जाएगा, ये याद रखना भैया। इनकी बहुत सारी बातें हैं, निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व और जाति पाति का विरोध ये किया करते थे। एक प्रश्न है, 185 नंबर का प्रश्न, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? 185 नंबर का प्रश्न है जो आप लोगों के लिए है, आप ही इसको कमेंट करके मुझे बताओगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कबीर किस शासक के समकालीन थे? जरूर इस प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
150 नंबर का प्रश्न है मित्रों। इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा, उसमें ये हमारा संत काव्य पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है मित्रों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लगातार आपको दो वीडियो मिल रहे हैं, अच्छी बात है। चलो आप तैयारी करते रहो, जो भी डाउट है पूछते रहो, कमेंट करते रहो। मित्रों अगर पहली बार विजिट करते हो चैनल पर तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।